हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दार्जिलिंग। तो ये हमारा दूसरा दिन है दार्जिलिंग में और आज चेंज ऑफ प्लान है। हम लोग बाइक आज लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरे बाइक के पीछे का जो व्हील है उससे कुछ नॉइज़ आ रहा है और दोस्त का जो बाइक है उसमें भी थोड़ा इशू आ रहा है, स्टार्टिंग इशू। तो आज बाइक का रिस्क नहीं ले रहे हैं, हम लोग बुक कर रहे हैं कैब। तो कैब से घूमेंगे, पूरा जो दार्जिलिंग का जितना भी पॉइंट्स है आज कवर करेंगे। और ये है हमारा छोटा सा रूम, छोटा सा आशियाना यहाँ का। और इसका क्या प्राइस है, क्या कॉस्टिंग है, एक छोटा सा रूम टूर मैं वीडियो के बीच में डाल दूंगा। और आज के इस ट्रिप में आइटनरीज क्या क्या है, कितना खर्चा आ रहा है, रूम का क्या प्राइस है, और अगर आप बाइक से कर रहे हैं तो बाइक का क्या खर्चा आ रहा है, मैं सब कुछ वन बाय वन मेंशन करूंगा। तो इसके लिए बने रहना वीडियो के एंड तक और होप कि आज फाड़ देंगे पूरा दिन। तो चलो मिलते हैं सीधा कैब पे। तो ये है हमारा होम स्टे, यहाँ पे हम लोग अभी रुके हैं। ये है रंगीत पे और यहाँ पे अभी हमारा हमारा बाइक पार्क है एंड वो ग्रैंड आइटम है आज का हम लोगों का, क्या बोलते हैं, ग्रैंड आइटम है आज का हम लोगों का कैब। So the first itinerary from the bucket is the Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park. So हम लोग अभी पार्क के अंदर एंट्री करने वाले हैं। उससे पहले होगा हम लोगों का हाथ सैनिटाइज, मुंह पे मास्क ऑलरेडी लगा के रखे हैं। और मैं बढ़ रहा हूँ अभी काउंटर की तरफ क्योंकि यहाँ पे एंट्री करने के लिए टिकट का ज़रूरत होता है। और अगर आपके पास कैमरा है तो पर कैमरा 10 रुपीज़ के हिसाब से चार्ज होता है। और बाकी का जो डिटेल है मैंने वीडियो पे डाल दिया है, वीडियो को पॉज कर को और देख लो। और जू से निकलने के बाद हम लोग वेट कर रहे हैं अपना कैब का। और कैब का वेट करते करते हम लोग सोचा कि चलो थोड़ा जाके दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज घूम के आते हैं। तो हम लोग जस्ट गेट पे एंटर किया और हम लोग का कैब आ गया। अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि। रवि? रवि सर। अच्छा, और आप दार्जिलिंग के कहाँ से हो? सो रॉक गार्डन जाते जाते हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं हम लोग का जो कैब का ड्राइवर है उनसे। उनका नाम है रवि और एक्चुअली वो बाय प्रोफेशन कैब ड्राइवर नहीं है, ही इज़ अ कॉलेज गाई। ही डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ही इज डूइंग कैब ड्राइविंग फॉर हिज पॉकेट मनी पर्पस। सो आई अप्रिशिएट इट, अच्छी बात है, पॉकेट मनी के लिए ऐसा थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करना अच्छी बात है। और ही वॉज ड्राइविंग वेरी गुड बिकॉज कार उसका अपना ही था और पहाड़ में चलाने का उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। और ऐसे उबड़ खबड़ रास्ते में भी ये बंदा बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राइव कर रहा था एंड ही वॉज अ वेरी स्वीट गाय। मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। ही वॉज यंग, एनर्जेटिक एंड ऑल्सो अ वेरी नाइस गाय।
रॉक गार्डन जाने का रास्ता जितना खूबसूरत है बीच में उतना ही ये बदसूरत भी है। तो सब पूरा वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा पड़ जाएगा। और ऐसे ही चलते चलते हम लोग पहुँच गए रॉक गार्डन और अभी हम लोग एंटर करने वाले रॉक गार्डन। और मैंने जो गलती किया है कि मैंने विदाउट टिकट एंट्री कर लिया और मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ पे गेट पे टिकट लेना पड़ता है। तो मेरा दोस्त पीछे टिकट लेने गया है तो मैं तब तक के लिए यहाँ पे वेट करता हूँ और वो आने के बाद उनके साथ एक साथ ऊपर जाता हूँ। और तब तक आप लोग एंजॉय करो रॉक गार्डन का ये विजुअल्स। तो रॉक गार्डन से निकल के हम लोग अभी चल रहे हैं जापानीज टेम्पल पीस पैगोडा की तरफ और ये मेरे लेफ्ट में है दार्जिलिंग स्टेशन। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस बार दार्जिलिंग में क्योंकि एक तो क्रिसमस का वीक चल रहा है और ईयर एंड भी है तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो ट्रैफिक का हेडेक डेली का था जो हम लोग को डेली फेस करना पड़ा। ये थोड़ा एनोइंग पार्ट था खाली इस दार्जिलिंग ट्रिप का और बाकी सब बढ़िया था। सो फार सो गुड। सो मैं हूँ अभी इन जापानीज टेम्पल पीस पैगोडा और यहाँ पे बुद्ध भगवान के बहुत बड़े बड़े मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे आने के बाद अचानक से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वेदर सडनली चेंज हो चुका है। बहुत खूबसूरत है ये जगह और ऐसे नंगे पैर चलना पड़ता है यहाँ पे। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं दार्जिलिंग का चौक बाज़ार। दार्जिलिंग का चौक बाजार होते हुए हम लोग अभी बढ़ रहे हैं लेबोंग की तरफ। लेबोंग की तरफ तेंजिंग रॉक में हम लोग अभी जाना है और लेबोंग में ही पड़ता है हम लोगों का होम स्टे। तो हम लोग तेंजिंग रॉक क्रॉस करने के बाद अपना होम स्टे जाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे और उसके बाद हम लोग शाम को निकलेंगे दार्जिलिंग मॉल के लिए। और ये है तेंजिंग रॉक जो हम लोगों का होम स्टे जाने के रास्ते में ही पड़ता है। Now it's time to explore Darjeeling Mall। और Darjeeling Mall पहुँचते ही मुझे भूख लग गया पाव भाजी का because यहाँ का जो Frank Rose Cafe है वो मेरा one of the most favorite cafe में से एक है और यहाँ का पाव भाजी और चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसका लुत्फ़ उठाने के लिए मैं एंटर किया Frank Rose पे। और अभी मेरे सामने है ग्लिनरिस। जिन लोगों को नहीं पता है कि ग्लिनरिस में क्या मिलता है तो ग्लिनरिस में बहुत बढ़िया बढ़िया केक्स और बहुत अच्छे पेस्ट्रीज मिलते हैं। तो मुझे बहुत मन था ग्लिनरिस का पेस्ट्री टेस्ट करने का लेकिन इतना भीड़ देख के मुझे जाने का मन नहीं किया तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। उससे अच्छा मैं जाके थोड़ा मॉल घूम लेता हूँ क्योंकि मुझे इतना भीड़ भाड़ में घुसने का और मन नहीं है। तो हम लोग अभी चल रहे हैं मॉल की तरफ।
मॉल एरिया बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, चारों तरफ इतना खूबसूरत लाइट्स लगाया गया है और इतना ठंड में भी लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, ये देख के मन बहुत खुश हो गया। तो अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो दार्जिलिंग में इतने सारे आइटिनरीज हैं घूमने के लिए, और जो आइटिनरीज है जैसे कि रोपवे और आपका बतासिया लूप, ये आज हम लोग नहीं कर पाए। रोपवे में बहुत ज़्यादा रश था इसीलिए रोपवे हम लोगों ने अवॉइड किया, और बतासिया लूप हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कल रिटर्न टाइम पे, तो उसका वीडियो कल के वीडियो में आएगा, तो उसके लिए कीजिए वेट। और दार्जिलिंग मॉल आया और गोल्डन टिप्स में अगर एक कप चाय नहीं पिया तो पूरा जर्नी ही अधूरा रह जाएगा। ये गोल्डन टिप्स का जो रूफटॉप व्यू है, ये दिन में भी जितना खूबसूरत है और रात में भी ये उतना ही खूबसूरत लगता है। रात में ये ऐसा लगता है कि आप तारों के बीच बैठे हुए हो। और यहाँ पे बैठ के चाय ख़त्म करते करते मैं करूँगा ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो दार्जिलिंग सीरीज़ का लास्ट ब्लॉग होगा। तब तक के लिए थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।